वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में, मैं मेघा। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिसके पास हिट्स की लिस्ट है। श्रद्धा ने अपने करियर की शुरुआत अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ की। हालांकि उनकी डेब्यू फिल्म तीन पति बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म का हश्र देखकर संजय लीला भंसाली ने सिलेक्शन के बावजूद उन्हें फिल्म से निकाल दिया। माई फ्रेंड पिंटो नाम की ये फिल्म छूटने के बाद श्रद्धा तीन दिनों तक रोई थी। 3 मार्च 1987 को जन्मी श्रद्धा कपूर आज 33 साल की हो गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्रद्धा से जुड़ी कई खास बातें, तो आइए शुरू करते हैं। अपने काम को लेकर श्रद्धा की शिद्दत से हर कोई वाकिफ है। फिल्म बागी की शूटिंग के दौरान श्रद्धा ने लगातार 72 घंटे काम किया था। अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए श्रद्धा ने ये मैराथन पारी खेली थी। उनके नाम बागी के अलावा आशिकी 2, एक विलेन और ABCD2 जैसी कई फिल्में भी दर्ज हैं। बेहद कम समय में श्रद्धा के पास फिल्मों की लंबी लिस्ट है। इनमें स्ट्रीट डांसर 3D, छिछोरे, 32 मिमी चालू, साहो, स्त्री, रॉक ऑन, फ्लाइट जेट जैसी कई फिल्में भी शामिल है। श्रद्धा को लेकर एक और बात खासी चर्चा में रहती थी, वो है उनका अंधविश्वास। MissMalini.com के एक रिपोर्ट का दावा है कि श्रद्धा ने खुद इसका खुलासा किया है। उनके मुताबिक जब जब उनके पापा यानी शक्ति कपूर दिल्ली में कोई फिल्म देखते हैं तो वो सुपरहिट होती है। बचपन में श्रद्धा अपने पापा के कपड़े पहनकर मिरर के सामने डांस किया करती थी। आज भी वो शक्ति को अपना सुपर हीरो मानती हैं। उन्हें लगता है कि वे कभी भी अपने पिता के बराबर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। बॉलीवुड में श्रद्धा के करीबी दोस्तों में टाइगर श्रॉफ का नाम सबसे पहले आता है। दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। श्रद्धा कपूर जब महज 16 साल की थी तब सलमान खान ने उन्हें एक रोल ऑफर किया था, लेकिन उस वक्त श्रद्धा एक्टिंग के लिए तैयार नहीं थे। फिल्मों के अलावा श्रद्धा सिंगिंग भी करती है। इसके साथ ही वो सर्टिफाइड स्कूब डाइवर भी है। श्रद्धा को ऑनलाइन शॉपिंग और जूते इकट्ठा करने का खासा शौक है। वैसे श्रद्धा अपने दोस्ताना अंदाज के लिए मशहूर है, लेकिन एक बार इसी के चलते कंट्रोवर्सी हो गई थी। 2014 में फिल्म एक विलेन के प्रमोशन के दौरान उन पर बदतमीजी का आरोप था। उसमें श्रद्धा के व्यवहार से फोटोग्राफर्स खफा हो गए थे। फोटोग्राफर्स ने फिल्म की सक्सेस पार्टी में श्रद्धा को बॉयकॉट कर दिया था। तो ये थी श्रद्धा कपूर के जन्मदिन पर उनसे जुड़ी कुछ अनकही और अनसुने किस्से। आपको श्रद्धा की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। बॉलीवुड के और भी गपशप से रूबरू होना चाहते हैं तो जनसत्ता को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।